नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जहां दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, तो वहीं यूक्रेन में भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और अपने देश में लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वहीं हमारे साथ लाइन पर है लाइव अमन, जो कि यूक्रेन में है इस वक्त। सबसे पहले अमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्थिति है वहां पर और किन परिस्थितियों में आप वहां हैं। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते करना चाहता हूँ। मैं हमारे यहाँ मतलब यूक्रेन में अभी कल के दिन मतलब एयरपोर्ट पर हमले हुए थे। यहाँ पर डेनिप्रो पे अभी हम सुरक्षित है फिलहाल। और जो बच्चे हमारे यहाँ से एयरपोर्ट गए थे उनको बंकर में रखा गया है फिलहाल। और बाकी जो रेलवे स्टेशन वगैरह था तो वहां पर गए थे, जो बेसमेंट में है वो वहीं पर है फिलहाल। और अभी हमसे कहा गया है कि अभी आप घर पर ही रहिए और सारा 7 दिन का या 2 महीने का 2 सप्ताह का खाना साथ में रख के चलिए, लाइट जी टॉर्च जी एक्सेट्रा। जी अमन, क्या कंडीशन है वहां पर और अभी क्या कुछ वहां चल रहा है? अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली आप जिस लोकेशन पे है, तो वहां की स्थिति क्या है अभी? जी अभी हम अभी डेनिप्रोपेट्रोव्स्क में है, तो यहाँ पर अभी कंडीशन अभी फिलहाल थोड़ी ठीक है। और जी अभी हम एम्बेसी को कंटिन्यू कांटेक्ट करते जा रहे हैं और फिलहाल डेनिप्रो में ठीक है। और खार्किव और कीव में हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट में धमाका हुआ था कल। जी भारतीय दूतावास से क्या कुछ आपको कोई मैसेज कन्वे किया गया है या किसी तरह की भारत सरकार ने आपको कुछ चीज ऐसी बताई है कि किस तरह से आपको वापस भारत लाया जा सकेगा? जी नहीं, हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, बस एम्बेसी से कांटेक्ट हो रहा है हमारा जी और एम्बेसी ही सब मैसेज कर रही है हमें। जी अगर मैं बात करूं कि यूक्रेन गवर्नमेंट की, तो जो जो नागरिक वहां पर है, जो सिविलियंस वहां पर है, उनके लिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही वहां पर सिविलियंस की क्या हालत है? फिलहाल उनसे हम तक कोई खबर नहीं आई है और हमारी भी उन तक कोई खबर नहीं जा पा रही है। जी वो खुद ही परेशान है इस चीज को लेकर। जी और हम लोग मदद मांग रहे हैं, कोई मदद अभी तक मिल नहीं रहा है, हम लोग फंसे हैं इधर अभी फिलहाल। जी भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप भारत सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं इस वक्त? जी फिलहाल फिलहाल अभी हम लगभग 15,000 इंडियन स्टूडेंट है यहाँ पर यूक्रेन में। जी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें भारत में ले जाया जाए, क्योंकि तो यहाँ पर सब डरे हुए, सबके परिवार वाले डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए। बस हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी फ्लाइट हो सके उतनी जल्दी हमारे लिए फ्लाइट करवा दीजिए प्लीज़। जी तो ये हम सबको बहुत यूक्रेन से जरूरत है। हमारे साथ लाइव थे अमन, जिनकी ये गुहार है भारत सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके वे अपने देश लौटना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक माता पिता का भी ये रहता है कि उनके बच्चे अगर उनसे दूर हैं और इस परिस्थिति में है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी असमंजस की स्थिति होती है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश भी भारत सरकार से निवेदन करता है कि जितनी जल्द हो सके अपने देशवासियों को वापस लौटने में उनकी मदद की जाए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन।